सूरज की शाइन देखें, कैसा खूबसूरत दिख रहा है इस वक्त। ऐसी हस्ती जो बनाने वाली कोई और हो सकता है? सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा सुभानअल्लाह। डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मेरे नर्व्स की प्रॉब्लम हो रही है, नस चढ़ी हुई है, तो मैं अपने डॉक्टर से दिखाने जा रही हूँ। तो आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें। पौधे देखें कैसे धुल धुला के शावर लेके खूबसूरत लग रहे हैं। यही मैं बात करूंगी इसी चीज़ की कि इनको दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनको शावर दिला सके। ये अल्लाह ताला की ज़ात ही है सिर्फ जो शावर दिला सकती है। एक ये पौधा मुझे बहुत पसंद है, इस तरह की कटिंग होनी चाहिए पौधों की। ये बारबेक्यू और ये देखे डिफेंस में फूड मार्केट है जो आज मैं व्यू करने आई हूँ सिर्फ। तो खाना भी आएगा, लेकिन काम तो किसी और निकले थे, लेकिन इधर भी आना पड़ गया। ये आपको प्लेटर दिखाती हूँ, मैं प्लेटर दिखाएं भी। ये बिरयानी प्लेटर है जी, देखें। चल जकी रौनके देखें, डिफेंस की एच ब्लॉक। मेरे बेटे को और मुझे बड़ी भूख लगी हुई है, और मेरी बहू बेगम पीछे खाना फिनिश भी कर चुकी हैं, हमारा अभी तक खाना नहीं आया। मैंने मंगवाई है माश की दाल और इन्होंने अपनी चॉप्स मंगवाई हैं। तो अल्लाह से दुआ करें कि हम जो खाना खाएं हमें हजम हो जाए और हम लोगों के लिए बेहतरीन साबित हो। कि खाने की भी दुआएं मांगनी चाहिए, जो खाना हम खाएं अल्लाह ताला हमारी सेहत पे वो असरअंदाज ना हो, बुरा असरअंदाज ना हो। तो अल्लाह ताला से हर चीज़ खाने से पहले हमें खाने के हाजमे की दुआ मांगनी चाहिए। चलो शेर पहले खाली पेट है, मुझे कुछ खाना है। क्या खाना है? मेरे बेटे को देखो जरा, भूख की वजह से हालत देखें, आंखें फटी हुई हैं बिल्कुल। और अब आपको ना भूख खाने से पहले और खाने के बाद का बिफोर एंड आफ्टर शक्ल दिखाएंगे। अल्लाह ताला ने पेट क्यों बना दिया है भाई? पेट अल्लाह ने ऐसा साथ लगाया है कि अब इस वक्त हमारी भूख का ही आलम है माँ बेटे की, कि मुझे प्याज रोटी भी मिल जाए तो मैं सबर शुक्र करके खा लूंगी। लेकिन अल्लाह ताला आज मुझे लेट करता जा रहा है, हमें कोई 5 बजे से भूख लगी हुई है। और पहले मैं अपनी चली गई ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद मैं ये लो जी मेरी माश की दाल आ गई है। मैं आप लोगों को बाद में याद की है, मैं फटाफट शुरू हो गई, इतनी गरम गरम दाल थी कि मुंह भी जल गया, लेकिन बहुत मजे की है, ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, वो उसकी बेगम उससे मांग रही है, लेकिन वो कह रहा है क्या